मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा। आंवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है आप जानते हैं, बहेड़ा इतना मिलता है, हरडे इतना मिलता है, और लगभग फोकट की स्थिति में मिलता है। अब पता नहीं कौन कौन लोग उसी आंवले को 200-250 रुपए किलो च्यवनप्राश बना के बेच लेते हैं। ये जो च्यवनप्राश है ना, ये त्रिफला चूर्ण से कई कई गुना नीचा है। च्यवनप्राश पे जितना खर्चा कर रहे हैं उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाइए, च्यवनप्राश से भी ज्यादा असर है। तो मेरी आपको आज के लिए ये आखिरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन में वात पित्त कफ तीनों को सम रखना चाहते हैं तो आंवला, हरडे बहेड़ा आंवला, इन तीनों का उपयोग करना सीख लीजिए। घर में हमेशा इसको डब्बे में बना के पाउडर के रूप में रख लीजिए। अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं, आप अकेला आंवला भी खा सकते हैं। आंवला तीनों दोष दूर करता है वात पित्त कफ, हरडे तीनों दोष दूर करता है वात पित्त कफ, और बहेड़ा तीनों दोष दूर करता है वात पित्त कफ। इसलिए भागवत जी कहते हैं सर्वोत्तम फल यही है आंवला, हरडे, बहेड़ा। दूसरे फलों से कई गुने ज्यादा ताकतवर यही फल है आंवला, हरडे, बहेड़ा। अब आपको आखिरी एक छोटी सी बात कह दूं कि आप में से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने मांस बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परेशान है मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात, तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है आपको? रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है। जिनको भी मांस बढ़ा है शरीर पर, मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवले ही खा लीजिए, 4 आंवले 3 आंवले रोज खा लीजिए। आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए। 3 से 4 आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। और आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज के वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल फल कोई है तो वो यही है। एंटीऑक्सीडेंट माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे, और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है, ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है, शरीर के हर अंग का क्षय होता है। तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं। दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए। भागवत जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं, आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं साल भर खाओ, 2 साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत। त्रिफला खाएं तो 3 महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना, 3 महीने 90 दिन खा के थोड़े दिन छोड़ देना, माने 15-20 दिन छोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना। क्यों कर लेना ऐसा? वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है, और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है। लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई, अगर बीच में छोड़ा नहीं तो। छोड़ के खाना, अब किसी व्यक्ति के लिए जो छोड़ने का समय है वो 3 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच का बताया, 3-3 महीने करके छोड़ छोड़ के खाना। अब आज के लिए सूत्र इतना ही, आगे प्रश्न जी। मात्रा कितनी? मात्रा मैं बता देता हूं, जिनको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए त्रिफला या आंवले का उपयोग करना है तो आंवला 3 से 4 और त्रिफला हमेशा बड़ा टीस्पून, एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच, तो 1 चम्मच, हाँ, गुड़ के साथ सुबह, नहीं तो शहद के साथ। और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना है पेट साफ करने के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए, वो रात को खाएं, रात को भी आंवला लगभग 1 चम्मच, लेकिन छोटी चम्मच। कैसे खाना है? गुड़ के साथ कैसे मिलाएं? आंवले का चूर्ण आपके पास है, थोड़ा गुड़ ले लो, चूर्ण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो, वो लड्डू जैसा हो जाएगा, गुड़ उसको अपने में समा लेगा, फिर गुड़ खा लो, पीछे से थोड़ा दूध पी लो। मैंने आपको कहा था कि भागवत जी कहते हैं कि दूध एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है, वो है आंवला। क्या कहते हैं बहेड़ा को? तानी। आप ऐसा करिएगा, ये प्रदीप भाई की दुकान पे चले जाइएगा, वो आपको शक्ल से दिखा देंगे, या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजिए पहचान करने के लिए कि हर क्या है
बहेड़ा क्या है, आंवला तो आप सब पहचान गए जी। हरड़ा को कड़का बोलते हैं, हरड़ा को कड़का, बहेड़ा को तानी काई, बहेड़ा को तानी काई, आंवला को पाल नली काई, आंवला को पाल नली काई या नली काई सीधे कह दीजिए, ये तीनों नाम है। ये प्रदीप भाई ने एक सवाल पूछा है कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मांस कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो दो बार खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक ही बार के लिए नियम है, सुबह ही सुबह आपके लिए सबसे अच्छा है। जो बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है वो खा सकते हैं? मेरी आपको एक विनती है, बाजार का त्रिफला चूर्ण लाने से अच्छा है बाजार से आंवला लाना, बहेड़ा लाना, हरड़े लाना, कूट पीस के अपने घर में बनाना, क्योंकि बाजार में कई बार बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमर्शलाइज हो चुकी हैं और उनके असर अगर कम हुए तो आप बागवट को गाली देंगे, इसलिए रॉ मटेरियल लाके घर में तैयार करना कूट पीस के जी। आपने गुड़ की बहुत महत्वपूर्णता बताई, परंतु डायबिटीज पेशेंट्स क्या करें उसके लिए? गुड़ आप डायबिटीज में खाइए, भरपेट आंवले के साथ खाइए, त्रिफला के साथ खाइए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है गुड़ खाने में, डायबिटिक लोग भी गुड़ खा सकते हैं, शुगर ना खाएं। और जूस का क्या करें? डॉक्टर्स तो कहते हैं डायबिटीज डोंट ईट फ्रूट्स करके, फ्रूट्स आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप भगवान की दी गई जो शक्कर है, ईश्वर की दी गई शक्कर है, जूस में है, फल में है, वो आपको शायद मालूम है या नहीं, शक्कर जो है ना शुगर, इसके कई रूप हैं, एक है ग्लूकोज, एक है सुक्रोज, एक है फ्रक्टोज, तो ये जो फल वगैरह की शक्कर है ये फ्रक्टोज फॉर्म की ज्यादा होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट होती है, गुड़ की भी उसी कैटेगरी में आती है, तो आप चीनी मत खाइए, गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, मीठे कोई भी फल खाने में तकलीफ नहीं है, बशर्ते कि त्रिफला खाते रहें, थोड़ा त्रिफला लेते, जिनको भी डायबिटीज है वो भी त्रिफला का सेवन करें, क्योंकि डायबिटीज मैंने कहा ना वात का रोग है, तो वात कम करेगा, त्रिफला में तीनों चीज है जो वात नाशक है, आंवला, हरड़ा, बहेड़ा। त्रिफला आपने कहा लेना है, रात को और सुबह कब लेना, जैसे खाने के पहले खाने के बाद? रात को तो आप लें, पेट साफ करना हो, कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो, देखिए मैं अब थोड़ा बता ही दूं, बवासीर अगर किसी को है ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें, मूड व्याध, पाइल्स जिसको आप कहते हैं हेमोरॉइड्स, वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें, बगंदर ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें, माने मेरे कहने का है पेट से जुड़ी बीमारियां ठीक करने के लिए त्रिफला उपयोग करना है तो रात को, चम्मच एक छोटी दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। और अगर आपको मांस कम करना है, कफ नाशक बीमारियां, कफ से जुड़ी हुई बीमारियां, तो सुबह खाने के बाद लेंगे रात को, और सवेरे लेंगे खाने के पहले, खाने के ही नहीं नाश्ते के भी पहले 40 मिनट, नाश्ता करने से 40 मिनट पहले जी। आपने बताया कि त्रिफला 1-2-3 के अनुपात में बनावे, तो आपने जो मुंबई वाली बात करी तो मुंबई वाले भाई साहब को पहले आपने 1-2-3 के अनुपात वाला ये त्रिफला दिया, वो जब बराबर काम नहीं किया तो फिर आपने समकालीन दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये क्या प्रोसेस हुआ? हाँ ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है, इसमें हुआ क्या कि जब आंवले में हरड़ा बहेड़ा और आंवले को 1-2-3 के अनुपात में हम रखते हैं तो आंवला ज़्यादा है, आप निश्चित रूप से देखें 3 मात्रा है, आंवला ज़्यादा है, आंवला माने विटामिन सी का भंडार, आंवला माने कैल्शियम का भंडार, आंवला माने ये, आंवला माने वो, तो अब जब बीमारी उनको रेडिएशन की थी तो ऑलरेडी उनके शरीर का विटामिन सी बढ़ा हुआ है, क्योंकि रेडिएशन से वो एक्स्ट्रा होता है, तो हमने देखा आंवला अगर मात्रा उनके साथ है तो वो काम नहीं कर पा रहा है इतना, जब 3 मात्रा का है, क्योंकि जो चीज़ पहले से बढ़ी है वो और बढ़ाएगा, तो फिर हमने इसको कम कर दिया, हरडे और बहेड़ा को बढ़ा दिया तो सम हुआ, तो रिजल्ट तुरंत आ गया। तो ये रेडिएशन जैसे गंभीर बीमारियों में, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों में इस तरह का उपयोग होता है आंवला, हरडे, बहेड़े का बराबर मात्रा में, लेकिन बाकी जो साधारण बीमारियां हैं उनमें 1-2-3 ही रहता है, क्योंकि आपको कई जगह कैल्शियम की ज़रूरत है, विटामिन सी की भी, जितने लोग मोटे हैं उतना शरीर में विटामिन सी कम, जितने लोग मोटे हैं उतना कैल्शियम कम, तो कैल्शियम कम है विटामिन सी कम है, तो मैं आपसे कहूंगा ही कि आंवला 3 मात्रा में लो तो वो बढ़े, तो बाकी चीजें कम। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।